हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एग्री फ्रेंड्स क्लब वी हैव ऑलरेडी सीन लेक्चर वन टू एंड थ्री फॉर द फिशरी साइंसेस। आज हम आपके आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर फोर और आज का जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंट सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ एक्वा कल्चर तो हर एक सिस्टम हर एक टाइप का हम आज आपके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे

ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड सिचुएशंस दैट आर इन्वॉल्व इन द कल्चर प्रैक्टिस सम ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट क्लासीफिकेशन आर गिवन बिलो तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी तो सेलिनिटी के आधार पर एक्वा कल्चर को क्लासीफाई किया गया है फ्रेश वाटर फार्मिंग ब्रैकेश वाटर फार्मिंग एंड मैराइन वाटर फार्मिंग इन तीनों का हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करेंगे आगे अपने लेक्चर में नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी सिस्टम ऑफ एक्वाकल्चर इज क्लासिफाइड इन टू एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम एंड इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फिश स्पीशीज फिश स्पीशीज के आधार पे एक्वाकल्चर को क्लासिफाई किया गया है मोनोकल्चर में और पॉलीकल्चर में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लोजर इंक्लोजर के आधार पे एक्वा कल्चर इज क्लासीफाइड इन टू फर्स्ट इज़ पॉन्ड कल्चर केज कल्चर पेन कल्चर एंड रेस वे कल्चर ये जितने कल्चर है जो भी सिस्टम है स्पीशीज़ के आधार पे हो हम उन सब का डिटेली डिस्कशन करेंगे आगे तो बने रहिए हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के आधार पे एक्वाकल्चर का सिस्टम है एग्रीकल्चर कम फिश फार्मिंग एनिमल हजबेंड्री कम फिश फार्मिंग मतलब एक इंटरप्राइज को दूसरे इंटरप्राइज के साथ यहाँ पे हम कल्चर करते हैं तो एंड अगर एग्रीकल्चर को करें फिश फार्मिंग के साथ तो वो एग्रीकल्चर कम फिश फार्मिंग है अगर एनिमल हजब्री को हम फिश फार्मिंग के साथ करते हैं देन इट इज़ एनिमल कम फिश फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैलनीटी सैलिनिटी के आधार पे एक्वाकल्चर को क्लासीफाई किया गया है हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सैलनिटी फ्रेश वाटर फार्मिंग था मैराइन वाटर फार्मिंग था एंड प्लेक्श वाटर फार्मिंग था तो एक, -एक करके हम सभी का डिटेल डिस्कशन देखेंगे सबसे पहले है फ्रेश वाटर फार्मिंग फ्रेश वाटर फार्मिंग क्या होता है कि इट इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट इन जीरो सैलाइन वाटर यहाँ पे जो सेलिनिटी रहेगी वो जीरो रहेगी फ्रेश वाटर है तो यहाँ पे सैलिनिटी नहीं होगी ठीक है मोस्टली फ्रेश वाटर फार्मिंग इज़ इनलैंड बेस्ड फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर फार्मिंग कैसा होता है इट इज़ इनलैंड बेस्ड तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम उस पर ध्यान दें थोड़ा कतला रोहू मृगल सिल्वर कार्प ग्रास कार्प कॉमन कार्प फ्रेश वाटर प्रॉन्स आर मेनली फ्ड इन फ्रेश वाटर तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फिशेज हैं जो फ्रेश वाटर फार्मिंग का हम लोग इसमें कल्चर करते हैं तो नेक्स्ट इज ब्रैकिश वाटर फार्मिंग ब्रैकिश वाटर फार्मिंग में ब्रैकिश वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्सचर जो होगा वो आपका ब्रैकिश वाटर होगा ठीक है तो यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है मैंग्रोव्स uh, मैंग्रोव्स याद होना चाहिए आपको ठीक है तो ब्रैकिश वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ़ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर विद अ सैलिनिटी लेस देन थर्टी पी पी टी इट शुड बी आई थिंक पी पी एम थर्टी पी पी एम ठीक है तो यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ़ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर और यहाँ मैंग्रोव्स ऐसा मैंने आपको बोला ब्रैकिश वाटर में होता है ठीक है तो ऑल द दूरीज बैक वाटर्स क्रीक्स एंड मैंग्रोव्स तो मैंग्रोव जो है वो ब्रैकिश वाटर में आएगा ठीक है नेक्स्ट इज़ मैराइन वाटर फार्मिंग मैराइन वाटर फार्मिंग में क्या होगा आपका सैलिनिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट इन द सी वाटर तो इफ़ यू आर टॉक इफ वी टॉक अबाउट सी वाटर अगर सी वाटर आपसे पूछा जाए तो यू नीड टू रिमेंबर कि वो क्या होगा उसका मैराइन वाटर होगा ठीक है इसी के साथ आगे बल, बढ़ते हैं मैरीकल्चर रियरिंग ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेज एंड शेल फिशेज आर डन इन ओपन सी बाई इंस्टॉलिंग केजेस ठीक है तो सी में अगर हम फिश फार्मिंग करें देन इट इज़ योर मैरिकल्चर ठीक यहाँ पे एक मैरिकल्चर आया और आपको याद रखना है कि अगर फिशेज का और शेल फिशेज़ का हम लोग कल्चर करते हैं मैराइन में ठीक है सी में सी वाटर में देन इट इज़ योर मैरिकल्चर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनपुट एंड स्टॉकिंग डेंसिटी ठीक है तो इनपुट और स्टॉकिंग डेंसिटी के आधार पर हम लोग फिश फार्मिंग को किस किस सिस्टम में डिवाइड करते हैं तो हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम एंड इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम तो चलिए आगे बढ़ बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम और इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम क्या है तो सबसे पहले एक्सटेंसिव फ़िश फार्मिंग सिस्टम एक्सटेंसिव फ़िश फार्मिंग सिस्टम में मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ एक्सटेंशिव फ़िश फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है इट इज़ लीस्ट मैनेज फॉर्म ऑफ फ़िश फार्मिंग सिस्टम ठीक है लीस्ट मैनेज है मतलब इसमें ज़्यादा आपको केयर लेने की जरूरत नहीं है ठीक है इट इन्वॉल्वस लार्ज पॉन्ड इमेजनिंग वन टू फाइव हेक्टेयर पौंड साइज़ क्या होगा वो वन से फाइव हेक्टेयर होगा और स्टॉकिंग डेंसिटी दैट इज़ लिमिटेड टू ओनली लेस दैन फाइव थाउजेंड फ़िश पर हेक्टेयर यहाँ पे स्टॉकिंग डेंसिटी जो होगा वो फाइव थाउजेंड फ़िश पर हेक्टेयर होगा इसमें आपको कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट या फील्ड फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है जो फिशेस होते हैं वो नेचुरल फूड खा करके ही उनका ग्रोथ हो जाता है लेकिन यहाँ पे जो ईल्ड होगा ईल्ड जो होता है वो पुअर होता है दैट इज़ फाइव टू टू ट्स पर हेक्टेयर और सर्वाइवल रेट भी जो होगा वो लो होगा तो मुझे उम्मीद है आपको एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम समझ में आया होगा अगर आपसे पूछा जाए लीस्ट मैनेज फिश फार्मिंग सिस्टम कौन सा है तो वो आपका एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम है ठीक है पॉन्ड साइज क्या होगा वन टू फाइव हेक्टेयर होगा और स्टॉकिंग डेंसिटी जो होगा वो फाइव थाउजेंड फिशेज पर हेक्टेयर होगा ईल्ड पुअर होगा और सर्वाइवल रेट जो होता है वो भी इसमें लो होता है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज योर एक्स सेमी एक्सटेंसिव फिश कल्चर सिस्टम सेमी एक्सटेंसिव फिश कल्चर सिस्टम इज मोर एंड इट प्रवल स्मॉल पॉन्ड वहां पे पॉन्ड साइज क्या था तो वहां पे जो आपका पॉन्ड साइज था दैट वॉज योर वन टू फाइव हेक्टेयर और यहां पे जो पॉन्ड साइज होगा वो क्या होगा पॉन्ड साइज इज जीरो दस हजार से पंद्रह हजार फिशेज पर हेक्टेयर इसमें क्या होता है कि वहां पे आपको एक्सटेंशन में क्या था कि केयर लेने की जरूरत नहीं थी फिशेज खुद ही ग्रो करते हैं इन द नेचुरल हैबिटाइट यहां पे क्या होता है कि केयर इज टेकिंग टू डेवलप नेचुरल फूड बाई फर्टिलाइजेशन विध विथ और विदाउट दर सप्लीमेंट्री फीडिंग यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन यू इफ यू वॉन्ट टू अपलाई द नेचुरल फूड और फर्टिलाइजर यू कैन अप्लाई और विदाउट दैट ऑल्सो द फिशेज कैन ग्रो ठीक है मेजर फूड सोर्स नेचुरल फूड मेजर फूड सोर्स जो फिशज का होता है वो नेचुरल फूड ही होता है वहां पर आपका एक्सटेंसिव में क्या था कि ईल्ड था लो यहाँ पे ईल्ड जो है इट वॉज इट इज मॉडरेट तो मॉडरेट ईल्ड होगा दैट इज सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर सिस्टम में सर्वाइवल रेट जो होता है वहाँ पे आपका लो था लेकिन सर्वाइवल रेट यहाँ पे आपका हाई है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम में जितना हमने पढ़ा था एक्सटेंसिव का एक्सटेंसिव फ़िश फार्मिंग सिस्टम में उसी का अपोजिट समझ लीजिए हम इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम में आगे पढ़ेंगे एक्सटेंसिव में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर मैनेज करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर केयर लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इन केस ऑफ एक्सटेंसिव इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव केयर नीड टू बी टेकन ठीक है यहाँ पे आपका इल्द भी ज़्यादा होगा ठीक स्टॉकिंग डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और फिश पॉन्ड्स जो है वो स्मॉल पॉन्ड्स होंगे जिन्हें हम मैनेज करते हैं तो इन इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम इट इज़ वेल मैनेज वेल मैनेज कौन सा है तो वेल well मैनेज आपका इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम है ठीक है मैक्सिमम लाइक अटेम्प्ट्स आर टेकन टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द फिशेज फ्रॉम मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ वाटर लिमिटेड रिसोर्स में आप कैसे फिशज़ का अच्छे से केयर कर सके वो आपका है इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम जहाँ पे आपको इंटेंसिव केयर लेने की आवश्यकता है इट इन्वॉल्व स्मॉल पॉन्ट्स टैंक्स एंड रेस वेज विथ वेरी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी दैट इज़ टेन टू फिफ्टी फिशेज़ पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर द फिश आर सप्लाइड कम्प्लीटली विथ फॉर्म्यूलेट फीड हम लोग फिश को फीड सप्लाई करते हैं इंटेंसिव केयर लेते हैं इनकेस ऑफ इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम में द इल्ड ऑफ टेन रेंज इस फ्रॉम फिफ्टीन टू हंड्रेड टन परेयर ठीक है यहाँ पे जो ईल्ड होगा वो पंद्रह से एक सौ टन पर हेक्टेयर होगा ठीक ऑल्डो द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हाई द रिटर्न फ्रॉम द इल्ड ऑफ द फिशेज एक्सीड्स टू इंश्योर द प्रॉफिट ठीक है लो इन्वेस्टमेंट ठीक है मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी आपका ज्यादा होगा ठीक है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई द रिटर्न फ्रॉम द इल्ड ऑफ द फिशेज एक्सीड्स द एक्सीड्स टू इंश्योर द प्रॉफिट इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं देख सकते हैं आप दिस इज़ योर एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम ठीक है यह आपका ये क्या होगा दिस इज़ योर सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम ठीक है सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम जो सेकेंड हमने पढ़ा था और ये जो है वो दैट इज़ योर ये क्या था दिस इज़ योर थर्ड वन दैट इज़ तीसरा क्या था हमारा इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम ठीक है दिस इज़ योर इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम जहाँ पे इंटेंसिव केयर लिया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज टॉक्ड फॉर फार्मिंग ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज कितने स्पीशीज़ एक बार में हम कल्टिवेट कर रहे हैं कल्चर कर रहे हैं उनके आधार पे हमने ऊपर ही आपको आप बताया था कि दो भाग में बांटा गया है दो क्लासिफिकेशन है पहला मोनोकल्चर एंड सेकेंड जो है दैट इज़ योर पॉलीकल्चर, ठीक है तो नाम से ही स्पष्ट है मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मोनोकल्चर मतलब क्या होता है मोनो मतलब एक एक कल्चर ठीक है किसका कल्चर होगा मोनोकल्चर ऑफ द फिशेज हम लोग फिशेज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका फिशेज़ का कल्चर होगा ठीक है तो मोनोकल्चर इज द फिश प्रोडक्शन सिस्टम इन विच ओनली वन फिश स्पीशीज इज रेयर्ड इन अ कल्चर सिस्टम ठीक है अगर एक फिश स्पीशीज का ही रियरिंग कर रहे हैं हम लोग तो ये इट इज़ योर मोनोकल्चर सिस्टम याद रहेगा आपको तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं द वेरियस फिश स्पीशीज दैट आर रेयर्ड इन मोनोकल्चर सिस्टम आर ट्राउट्स टीलेपिया कैट फिशेज कार्प श्रिम्प ठीक है तो एटलीस्ट आपको इतने एग्जाम्पल्स तो याद रखने ही हैं ठीक है तो वट आर द एग्जाम्पल्स इट इज ट्राउट टिलेपिया कैट फिशेज कार्प श्रिम्स ठीक है तो मोनोकल्चर जो है इन सब का ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है मोनोकल्चर इज़ ऑफ हाई वैल्यू इट इज़ मार्केट ऑरिएटेड फिश स्पीशीज़ ठीक है हाई वैल्यू होगा मार्केट ऑरिएटेड फ़िश कल्टिटिवेशन होता है इसमें इंटेंसिव सिस्टम इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इंटेंसिव सिस्टम मतलब इंटेंसिव मैंने आपको पहले ही बताया था इसका मतलब क्या होता है आपका कि इंटेंसिव केयर इज़ बीइंग टेकन ठीक है इंटेंसिव केयर हम लोग लेते हैं इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम में ठीक सप्लीमेंट्री फूड बिना सप्लीमेंट्री फूड दिए आपको यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होगा मोनोकल्चर जो होता है इट इज़ हाईली मार्केट ओरिएंटेड हाई मार्केट ओरिएंटेड फिश प्रोडक्शन सिस्टम है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है सप्ली सप्लीमेंट्री फीडिंग इज कंपल्सरी टू इंश्योर द प्रोडक्शन ठीक है सप्लीमेंटरी आपका फीडिंग आपको देना ही है ताकि प्रोडक्शन हो सके अच्छे से हो सके ठीक है नेक्स्ट इज पॉलीकल्चर पॉली नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे फिर से पॉलीकल्चर मतलब एक बार में एक से दो एक से या मतलब दो से अधिक फिश का फार्मिंग या फिश का कल्चर ठीक है मतलब एक फिश को हम दूसरे फिश के साथ दूसरे एक्वेटिक एनिमल के साथ मैं बोलूँगी कि आप कल्टिवेशन करते हो रियरिंग करते हो ठीक है एक्वाकल्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज एक्वाकल्चर अगर आप रिवाइंड करो मेरा पहला लेक्चर तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिर्फ आपका कल्टीवेशन रियरिंग नहीं होता है फिशज़ का और भी एक्वेटिक एनिमल्स साथ में इसमें लिए जाते हैं ठीक इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं हम पॉलीकल्चर पॉलीकल्चर क्या है कि इन विच टू और मोर डिफरेंट फिश स्पीशीज़ आर फार्म और कल्चर एक बार में दो या दो से अधिक फ़िश फार्मिंग हम लोग करते हैं ठीक है यू नीड टू रिमेंबर फिश फार्मिंग किसका करेंगे हम लोग दो या दो से अधिक फिशेज का भी फिश फार्मिंग करते हैं ठीक है टू और मोर देन टू फिश स्पीशीज आर फार्म और कल्चर एलॉन्ग विद समटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स क्या होंगे आपके श्रिम्प हो सकते हैं या प्रॉन्स हो सकते हैं इन दिस सिस्टम ऑफ कल्चर स्पीशीज विद डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेज आर स्टॉक टुगेदर इन सच अ डेंसिटी दैट देयर विल बी ऑलमोस्ट नो कॉम्पिटिशन हम लोग ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कुछ भी उठाकर एक फिश को दूसरे फिश के साथ डालते ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि दो दो से अधिक जो फिशेस होंगे जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनका हैबिटेट अलग होगा उनका फूड प्रेफरेंस अलग होगा ताकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन ना हो सके ठीक है अगर कॉम्पटिशन होगा दन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ योर फूड ठीक है फिशज डेंसिटी कम हो जाएगी मोटेलिटी ज़्यादी ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक फिशेज को जब हम स्टॉक कर रहे हैं तो उसका फूड प्रेफरेंस अलग हो उनका हैबिटेट अलग हो ठीक है ताकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन ना हो सके टू इंश्योर लेस कॉम्पिटिशन पॉलीकल्चर फिशीज गिव हायर ईल्ड दन द मोनोकल्चर अंडर सेम कंडीशन फॉर फ्रेश वाटर कार्प फार्मिंग ठीक है यहाँ पे क्या होता है आपका ईल्ड ज़्यादा होता है ठीक क्योंकि इलांग वन, वन विथ एक फिश के साथ हम दूसरे एक्वेटिक एनिमल को भी डाल रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लोज़र यूज फॉर फार्मिंग हम कौन सा इंक्लोज़र यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग में तो एक बार आप देख सकते हैं इट इज़ पॉन्ड कल्चर दिस इज़ योर केज कल्चर ठीक है पेन कल्चर क्या है दिस इज़ योर पेन कल्चर नेक्स्ट रेस वे तो हम एक एक करके सभी का आर ए एस रिसर्क्यूलेटिंग एक्वेटिक सिस्टम ठीक है तो इन सब का हम एक एक करके डिटेली डिस्कशन करेंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम पॉन्ड कल्चर की ओके okay? सबसे पहले हम बात करते हैं पॉन्ड कल्चर की पॉन्ड कल्चर जैसा कि आप देखते हैं पॉन्ड में कल्टिवेशन ऑफ द पॉन्ड में ही आपका कल्चर और कल्टिवेशन होगा ठीक है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फिश कल्चर कौन सा मेथड फिश कल्चर का सबसे कॉमन है तो ये इसका आंसर जो है दैट इज योर पॉन्ड कल्चर क्लियर पॉन्ड कल्चर में क्या होता है कि वाटर जो है हम उसको मेंटेन करते हैं आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट करके बंड ठीक है जहाँ पे हम एक्वेटिक एनिमल्स को स्टॉक करते हैं और इसको ग्रो करते हैं ठीक तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फिश कल्चर क्या है आपका पॉन्ड कल्चर है और जो पॉन्ड होगा वो उसको वो कैसे फिल होगा रेन वाटर से कैनाल वाटर से और मैनमेड बोर्स से ठीक है तो दिस इज योर पॉन्ड कल्चर पॉन्ड कल्चर आपको देखने को मिलेगा कि पॉन्ड कल्चर में क्या होगा कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यहाँ पे क्या करते हैं हम बंड बनाकर एक इंक्लोज एरिया लेते हैं वहां पे हम एक्वेटिक एनिमल्स का फार्मिंग एंड रियरिंग करेंगे और जो पॉन्ड होगा वो फिल होगा उसमें पानी कैसे भरा जाएगा बाई मीन्स ऑफ रेन कैनाल वाटर एंड मैन मेड बोर्ड्स क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं केज कल्चर का ठीक है केज कल्चर इज रियरिंग ऑफ फिशेज फ्रॉम जुबेनाइल स्टेज टू कमर्शियल साइज इन अ वॉल्यूम इन्क्लोज ऑन ऑल द साइड इंक्लूडिंग द बॉटम वाई पॉमिटिंग द फ्री सर्क्यूलेशन ऑफ वाटर ठीक है केज कल्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि एक इंक्लोज एरिया है ठीक है इंक्लोज एरिया का कंस्ट्रक्शन हुआ जहाँ पे फ्री फ्लोइंग वाटर होगा ठीक और हम वॉट वी विल डू केज कल्चर जो है इट इज एन इनोवेटिव कंसेप्ट टू एक्सप्लोय द पोटेंशियल ऑफ द लेक रिजर्वर एंड रेवराइन पूल्स ठीक है केच कल्चर में क्या होता है हम फिश करियरिंग करते हैं जो विनाइल से कमर्शियल साइज में जहाँ पे आपका चारों साइड से आपका बाउंड्री होगा चारों साइड से आप इनक्लोज करोगे लेकिन यहाँ पे आपका फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता रहेगा इट इज़ मेनली डन टू एक्सप्लोर्ड द पोटेंशियल ऑफ द लेक रिजर्वर एंड रेवर सिस्टम्स नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेन कल्चर पेन कल्चर क्या होता है इट इज़ द हाइब्रिड बिटवीन पॉन्ड कल्चर एंड केज कल्चर केज कल्चर में हमने देखा कि हम बॉटम को भी क्या करते हैं कि बॉटम को भी इंक्लोज कर देते हैं ठीक है फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर होगा पॉन्ड कल्चर में क्या था कि हम बाउंड्री बना देते हैं बंड बना के उसको इंक्लोज कर देते हैं इन केस ऑफ पैन कल्चर इट इज़ द रेजिंग ऑफ द फिश इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्लोज ऑन ऑल द साइड एक्सेप्ट द बॉटम बॉटम को हम इंक्लोज नहीं करेंगे ठीक है बॉटम से ही क्या होगा आपका कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ द वाटर होगा ठीक है इट इज़ द हाइब्रिड बिटवीन पॉन्ड कल्चर एंड केज कल्चर

विथ सर्व एज द फूड फॉर द फिशेज़ ठीक है एंड पॉलीकल्चर्स हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉलीकल्चर में मैंने आपको बताया था क्या था पॉलीकल्चर जहाँ पे हम एक या एक से दो या दो से अधिक फिशेज का रियरिंग और अदर एक्वेटिक एनिमल्स का साथ में रियरिंग करते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटिंग है क्योंकि अगर किसी एक फिश का या फिर एक्वेटिक एनिमल का पॉपुलेशन कम हुआ एटलीस्ट यू हैव समिंग कि आपका पूरा लॉस नहीं हो जाएगा ठीक है ड्यू टू सम और अदर फैक्टर यू विल बी इन प्रॉफिट ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रेसवेज की तरफ नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसवेज की ठीक है तो रेस वेज क्या है द रेजिंग ऑफ द वाटर इन द रनिंग वाटर अगर हम रेजिंग ऑफ द सॉरी रनिंग ऑफ द रेजिंग ऑफ द फिशेज इन द रनिंग वाटर अगर हम फिश का रेयरिंग कर रहे हैं रनिंग वाटर में ठीक है इट इज़ अ हाई प्रोडक्शन सिस्टम इन विच द fishes आर ग्रोन इन हाई stocking डेंसिटी इसका इंपॉर्टेंस देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेस वेज दो तरह का रेसवेज़ होता है पहले आप एक बार देख ले आपको कुछ समझ में आ रहा हो देखिए आगे बढ़ते हैं लीनियर टाइप एंड लैटरल टाइप लीनियर टाइप और लैटरल टाइप में क्या होता है इसमें इन केस ऑफ लीनियर टाइप ठीक है इन केस ऑफ लीनियर टाइप लीनियर टाइप में क्या होगा कि वाटर जो है वो लार्जर वॉल्यूम में एंटर हो रहा है In ऑफ लीनियर टाइप वाटर इज़ एंटरिंग entering into अ लार्जर वॉल्यूम और एक पौंड से दूसरे पौंड आपका पानी चलता जा रहा है दैट इज़ यूज फॉर रियरिंग ऑफ द फिशेज लेकिन लैटरल टाइप में क्या है कि आपका एक बार में कम पानी एंटर करेगा लेकिन दोनों सिस्टम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो है वाटर का लीनियर टाइप का डिसएडवांटेज ये है कि लीनियर टाइप में आपका अगर किसी एक पौंड में फिशेज़ को डिजीज है तो सेम वाटर दूसरे पॉन्ड में जाएगा और वहाँ पे दूसरे पॉन्ड की भी फिशेस को डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है लेकिन लैटरल टाइप में ये अवॉइड किया जा सकता है ये अवॉइड होता है ठीक है देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ़ डिजीज़ इन केस ऑफ लैटरल टाइप लेकिन लीनियर टाइप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अगर एक पॉन्ड में फिश को डिजीज़ है तो दूसरे पॉन्ड में भी फिशज को डिजीज़ होने का पूरा चांसेज है लीनियर टाइप क्या होता है द पॉन्ड्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस लीनियर टाइप में हम पॉन्ड को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ठीक है इन लीनियर टाइप द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग इन टू द ईच पॉन्ड इज लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा दूसरी बात ये कि यहाँ पे द सेम वाटर इज यूज रिपीटेडली फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड एक ही पानी आपका बार बार एक दूसरे पॉन्ड में सिक्वेंशली यूज हो रहा है और मैंने दरअसल आपको बताया कि इन केस ऑफ लीनियर टाइप द अकरेंस ऑफ डिजीज इन द इनिशियल पॉन्ड में अफेक्ट द अदर कनेक्टेड पॉन्ट्स दूसरे पॉन्ड में भी ये अफेक्ट कर सकता है लेटरल टाइप द पॉन्ड्स आर लेड आउट इन पैरल एंड द लेटरल लैटरल और पैरल टाइप द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग इन टू द ईच पॉन्ड इज स्मॉलर यहाँ पे कम पानी एंटर करेगा द फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर हमेशा इंश्योर किया जाता है और ट्रांसफर ऑफ डिजीज नहीं होता है देखिए लेटरल टाइप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पोंड पॉन्ड वन दिस इज पॉन्ड वन दिस इज़ पॉइंट वन दिस इज़ पॉइंट टू ठीक है नेक्स्ट इज़ पॉइंट थ्री पॉइंट फोर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका चार पॉइंट जो है वो अलग अलग है इसमें फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर हमेशा हो रहा है और कोई भी डिजीज होने का ट्रांसफर नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ डिजीज इज़ नील नेक्स्ट रिसर्क्यूलेटिंग आर ए एस दैट इज रिसक्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम ठीक है

पढ़ा था जितने सिस्टम्स देखे वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट एज सच नहीं दिखा लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन लगे होते हैं तभी तो रि हो पाएगा ना गंदी गंदा पानी हम कैसे यूज़ करेंगे वी कॉन्ट यूज़ बैड क्वालिटी ऑफ वाटर वी नीड टू यूज़ वाटर दैट इज़ गुड मतलब ऐसा अगर अब बैड क्वालिटी वाटर यूज़ कर लोगे कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करोगे तो क्या होगा कि डिजीजेज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ठीक है सो इन आर एस देर इज़ मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन कंपोनेंट्स ठीक है पंप लगे होंगे होल्डिंग टैंक्स लगे होंगे ठीक है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स लगे होंगे टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी एंड प्रोवाइड अ डिजीज़ कंट्रोल सिस्टम डिजीज़ कंट्रोल विद इन द सिस्टम ताकि डिजीज़ कंट्रोल सिस्टम मतलब डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके ऐसा सिस्टम लगा होता है सो दिस इज़ आर एस ठीक है ये देख लीजिए आप लोग इट इज़ आर ए एस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फार्म इंटीग्रेशंस ठीक है तो डिफरेंट फार्म इंटीग्रेशन मतलब एक फार्मिंग सिस्टम तो आपका हो गया फ़िशीज़ फिशरीज सेक्टर ठीक है फ़िशरीज़ हो गया अगर हम फिशरीज़ के साथ एग्रीकल्चर भी का कंसर्ट भी हम डाल सकते हैं फिशरीज़ के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं ठीक है राइस फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आई वी एफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ठीक है तो देखिए हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं फिश फार्मिंग विथ एग्रीकल्चर फ़िश फार्मिंग विथ एग्रीकल्चर आपको नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए कि फ़िश कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड विद द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ठीक है तो अब क्रॉप सेलेक्शन भी यहाँ पे ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हम वैसे क्रॉप्स को ही ले सकते हैं जिनका वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगा ठीक है तो फिश कल्चर इज़ इंटीग्रेटेड विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लाइक राइस बनाना एंड कोकोनट ठीक है देयर बाई प्रोड्यूसिंग फिश एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स एग्रीकल्चर बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम इंक्लूड राइस फिश इंटीग्रेशन हॉर्टिकल्चर फ़िश कल्चर मशरूम फिश सिस्टम सेरी फिश सिस्टम सो ऑल दीज आर योर सिस्टम्स सिस्टम मतलब क्या होता है जब एक या एक से अधिक कंपोनेंट हो वहाँ पे ठीक है राइस फिश इंटीग्रेशन कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर फिश फार्मिंग कर सकते हैं ठीक है तो इट इज़ योर फिश फार्मिंग विथ एग्रीकल्चर तो हम एक एक करके देखते हैं राइस फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब जितने भी फार्मिंग सिस्टम हमने यहाँ पे देखे राइस फिश इंटीग्रेशन हॉर्टीकल्चर फिश सिस्टम मशरूम फिश सिस्टम इन सबको हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट इज़ योर राइस फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन दिस सिस्टम ऑफ फिश फार्मिंग द फिश इज़ फार्म्ड इन द पैडी फील्ड हम पैडी फील्ड में स्टैग्नेशन ऑफ वाटर पडलिंग करते हैं तो वहाँ पर ही हम लोग फिश का फार्मिंग कर सकते हैं द फिश स्पीसीज सचेज कॉमन कार्प टिलेपिया म्यूरल्स आर मोस्ट कॉमन सुटेबल फॉर द कल्चर इन द राइस फील्ड कौन कौन से फिशेज को हम राइस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं कल्चर कर सकते हैं उसका रियरिंग कर सकते हैं तो वो है आपका टिलेपिया देन योर म्यूरल्स कॉमन कार्प ये सब हम राइस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ठीक है तो इसका क्या होगा द टॉप एंड द इनर एंड द अदर डाइक्स कैन बी प्लान्ट विथ ड्रॉप वराइटी कोकोनट मैंगो बनाना यहाँ पे भी कौन कौन से क्रॉप ले सकते हैं हम कोकोनट मैंगो बनाना ठीक है एंड द साइड बाई लैंड कैन बी यूटिलाइज फॉर प्लांटिंग पाइन एप्पल जिंजर टर्मरिक एंड चिली ठीक है इसमें क्या होगा कि आपका द एक्सचेंजिंग वाटर कैन बी यूज टू वाटर द प्लांट्स जो प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका वो भी फुलफिल हो जाएगा और हम वेजिटेबल कल्टिवेशन या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का कल्टिवेशन कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर जो फिशेज हम लोग जनरली ग्रो करते हैं दैट इज ग्रास कार्प ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मशरूम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मशरूम रिक्वायर्स ह्यूमिडिटी ठीक है इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी सो मशरूम बेड्स हम लोग लगा सकते हैं अलॉन्ग विद द एक्वाकल्चर इसका भी ट्रमेंडस स्कोप है ऑल दी सिस्टम्स कैन बी यूज टू फर्दर इंक्रीज द इनकम टू गेट हाई प्रॉफिट फ्रॉम अ सिस्टम ठीक है सेरी फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब आपका सिल्क वाम कल्टिवेशन एलोंग विद द फिशेज ठीक है इसमें क्या होगा सिल्क वॉर्म इज कल्चर्ड एलोंग विद द फिशेज आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कल्चर एलॉन्ग विद द पी सी कल्चर ऑफ फिश कल्चर एक्वा कल्चर ठीक है सिल्क वाम इज कल्चर्ड बिलोंग विद द फिशेज हियर द मलबरी लीफ प्रोड्यूस्ड इज प्राइमली कंज्यूम बाई सिल्क वाम एंड द फीकस ऑफ द सिल्क वॉम इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द फिश पॉन्ड टू इंक्रीज द नेचुरल फूड ऑर्गैनिज्म डेट्रेटर्स एंड बैक्टीरिया इन द फिश पोंड ठीक है यहाँ पर हम याद रखना है आपको सिल्क वॉर्म के साथ हम लोग किसका कल्टिवेशन करेंगे किसका कल्चर करेंगे हम लोग फिश पोंड फिश का फिशेज का एक्वा कल्चर हम ले सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लाइफ स्टॉक इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम ठीक है तो लाइफ स्टॉक में क्या होता है दीज इंक्लूड कैटल पिग पोल्ट्री डक गोट रैबिट ये सब का कल्टिवेशन इन सबको हम साथ में इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज करके हम लोग इसका इसको ग्रो कर सकते हैं मतलब एक का फिकस या एक का कोई भी बाई प्रोडक्ट जो होगा वो दूसरे द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है ठीक है इन द इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम द एक्सक्रीटा ऑफ डक चिक्स पिग कैटल आर यूज डायरेक्टली इन द पॉन्ड टू इंक्रीज द प्लान्ट विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द फिश और सर्व एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर द फिशेज ठीक है इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होगा क्योंकि जो एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है चाहे तो आपका मशीनरीज में हो या किसी ना किसी इनपुट में हो ठीक है इनपुट क्या हो गया फीड हो गया फॉर्डर हो गया तो इन सब का जो एक्सपेंडिचर है वो कम जाता है तो इससे क्या होता है कि जैसे हमने पहले बात किया था ठीक है कि लेस ऑफ इनपुट एंड मोर ऑफ आउटपुट ठीक है तो इससे हमें मिल जाएगा कैटल फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम द काव डंक इज मोस्ट वाइडली यूज मैन्योर इन द फिश पॉन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है कैटल के साथ हम फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं इंटीग्रेटेड वे में फॉर वन हेक्टेयर पॉन्ड फाइव टू सिक्स काउस कैन प्रोवाइड एडिक्यूएट अमाउंट ऑफ मैन्योर एडिशनल इनकम आपको मिलेगा इसमें कैसे एडिशनल इनकम मिलेगा बिकॉज थ्रू द कैटल यू विल गेट मिल्क ठीक है एंड फिश फिशेज ऑल्सो तो आपको एक साथ मिल्क फिश भी कंजप्शन के लिए या फिर सेल के लिए या फिर मार्केट के लिए आपको मिल जाएगा नेक्स्ट इज फिश पिग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर द फिशिंग सिस्टम सिक्सटी टू हंड्रेड नंबर ऑफ पिग आर इनफ टू फर्टिलाइज वन हेक्टेयर ऑफ फिश पॉन्ड द पिग्स आर फेड विद किचन वेस्ट एक्वेटिक प्लांट्स एंड क्रॉप वेस्ट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फिश बाय द थर्टी टू थर्टी फाइव पिग इज इक्वल टू वन टन ऑफ अमोनियम सल्फेट ठीक है इसमें कौन कौन से ब्रीड्स ऑफ uh, आप पिग यूज़ करते हैं एग्जॉटिक ब्रीड सच एस लैंड रेस हेम हेम्पशायर ठीक है यॉर्कशायर इन द फार्मिंग सिस्टम सिल्वर कार्प ग्रास कार्प कॉमन कार्प इन द रेशियो ऑफ ग्रास कार्प सिल्वर कार्प एंड कॉमन कार्प इन द रेशियो ऑफ वन इज टू टू इज़ टू वन आर सुटेबल फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद द पिग ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश इंटीग्रेटेड पिग फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नेक्स्ट इज योर ये क्या होगा आपका चिक ठीक है पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूडिंग मतलब फार्मिंग सिस्टम इंक्लूडिंग पोल्ट्री एंड फिशेस यहाँ पे देखो तो जो पोल्ट्री होते हैं जो पोल्ट्री मैन्योर्स होते हैं ठीक है इसका इट इज़ द रॉपिंग्स आर रिच इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन सो चिकन एंड मैन्योर इज एन एफेक्टिव फर्टिलाइजर फॉर वन हेक्टेयर फिश पॉन्ड पच्चीस हजार चिक्स आर रियर्ड द पोल्ट्री शेड इज कंस्ट्रक्टेड अबब द फिश पोंड विथ बैम्बू फ्लोरिंग टू फैसिलिटेट द डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ द पोंड फॉर पोल्ट्री नाइंटी थाउजेंड टू वन लैक एग एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के जी मीट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड थ्री थाउजेंड टू फोर्टी फाइव हंड्रेड के जी ऑफ फिश कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर एंड सप्लीमेंटरी फीडिंग ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इन केस ऑफ चिक फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम योर पोल्ट्री और चिक इज रियर्ड अलोंग विद द फिशेज इन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ठीक है तो यहाँ पे अगेन यू विल बी इन हाई प्रॉफिट नेक्स्ट इज डक फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन डक फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम द डक्स प्रोवाइड अ सेफ इन्वॉर्मेंट To the fish by consuming juvenile frogs, tadpoles, and your dragonfly in the pond. So it can be used as a measure to control the pest, also. Different animals which are harmful for the your fish also okay as ducks spend most of the time swimming in the pond the dropping goes directly in the pond which provides an essential nutrient to stimulate the growth of the pond of the food in the growth of natural food in the fish pond okay so its droppings hoga, it can be again used as the source of fertilizer for the fishes to fertilize one hectare fish pond the number of ducks required is between 100 to 3000 ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द फिश कल्चर एंड मैन्योर रिक्वायरमेंट ठीक है तो हमने आज यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डक फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ठीक है इंटीग्रेटेड रैबिट फिश फार्मिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल ठीक है तो यहाँ पे हमने आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फिश के साथ हम कौन कौन सा और डिफरेंट इंटरप्राइज ले सकते हैं तो वो राइस हो सकता है राइस फ़िश इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देन यू कैन गो फॉर डक फिश फार्मिंग सिस्टम फिश फार्मिंग सिस्टम पोल्ट्री फ़िश फार्मिंग सिस्टम ठीक है तो हम हमने यहाँ पे देखा लाइफ लाइफ स्टॉक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ठीक है लाइफ स्टॉक मशरूम सेरिकल्चर इन सब का भी हम साथ में इंटीग्रेटेड वे में फ़िश के साथ ग्रोथ वी कैन अपटेक द इंटरप्राइज ओके नेक्स्ट हमने डिफरेंट सिस्टम देखा ठीक ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हमने पढ़ा फिर यहाँ पे अगेन वी सो ऑन द बेस ऑफ इनक्लोज़र इनक्लोज़र के आधार पर हमने देखा पॉन्ड कल्चर देखा केज कल्चर देखा ठीक है तो वी सॉ पेन कल्चर आर ए एस तो ये सब हमने आज अपने लेक्चर में डिस्कस किया ठीक है तो ऑल दी सिस्टम्स आर इट मे सीम ईजी टू यू ये लग सकता है आपको कि ये बहुत ही ईजी हो लेकिन येस इट अफकोर्स इट इज़ ईजी पर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आपने नहीं पढ़ा है आप ऐसे ही चले जाते हो एग्ज़ाम में देन यू वोंट बी दैट कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द आंसर टू गिव द आंसर ठीक है इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे मिलते हैं हम वापस से फिशरीज़ के नए वीडियो के साथ विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आई वोंट से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर अ सिंगल एग्ज़ाम हो सकता है जो बच्चे बी एस सी कर रहे हो ठीक है बी एफ एस सी कर रहे हो बैचलर्स इन फिशरी साइंसिस कर रहे हो वो भी ये लेक्चर से नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ठीक है दीज आर द बेसिक्स ये कुछ बेसिक्स हैं वैन यू स्टार्ट स्टडिंग तो आपको ये सब चीज़ें इन बातों को इन बातों यू शुड नो ऑल दीज पॉइंट्स ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए ठीक है विद दिस आई से गुड बाई टू यू मीट यू सून इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे ट्यून्ड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर वीडियो ठीक है थैंक यू